أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم تحيط بهم يا أيها الناس إنما كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون بالحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يؤمن وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
माशाल्लाह इतना अच्छा प्यारा जुम्मा था कि मज़ा आ गया नमाज़ पढ़ने का। तो अब सब लोग अपनी अपनी जूतियाँ पहन रहे थे, मैं भी अपनी बेटियों का वेट कर रही थी क्योंकि मैं बहुत डोर के पास थी, वो ज़रा आगे किए हुए थे और ये माशाल्लाह बच्चियाँ भी आ गई हुई थी। तो इसके बाद हमें मेरे हस्बैंड ने और भाई जो हमारे साथ थे उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, आ जाएं इधर भी विज़िट करें, ये मस्जिद देखें जो आदमियों की साइड पे थी। ये दो कोविड के बाद ये मस्जिद अब बनी है, इससे पहले ये यहाँ पे चर्च था। और आप ये देख सकते हैं ये अल्लाह के नाम वगैरह ये सारे लगाई हुई हैं, मगर इसमें अभी भी क्रिश्चियन लोगों के साइन मौजूद है जिसमें उनके वो क्रॉस वगैरह भी हैं। तो उसकी वजह से अभी उन्होंने वो सारे नहीं हटाए, तो ये चीज़ें इधर अभी मौजूद हैं। और ऊपर वाले हिस्से में गैलरी भी है जो क्रिश्चियन लोग आते हैं आके विज़िट करते हैं, क्योंकि ये पहले चर्च था, उनकी अभी भी चीज़ें ऊपर पड़ी हुई हैं, पिक्चर्स वगैरह। और उसके अलावा जो क्रिश्चियन लोग थे वो ये यहाँ पे कहते थे कि यहाँ से ये जो है एक जगह उन्होंने पूरी ये रेड में आप देख रहे होंगे कवर की हुई है, और क्रिश्चियन कहते थे ये यहाँ से ये पता नहीं कोई अर्थ क्या है कि यहाँ से पूरा अर्थ जो है वो नज़र आता है, कुछ उनका मानना था। तो ये वाली जो जगह है इसका ज़्यादा मुझे डिटेल तो नहीं पता, मगर कुछ ऐसा ही था जिसकी वजह से इन्होंने अभी भी इसको कवर किया हुआ था।